शनैः शनैः चरति इति शनैश्चरः। मित्रों, शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। अपने मंद चाल के कारण शनि एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं। जिस राशि में आपका जन्म हुआ है, यदि आपकी जन्म राशि से प्रथम, द्वितीय एवं द्वादश स्थानों पर गोचर में यदि शनि होंगे तो इसे 7.5 साती के नाम से जाना जाता है और यह अधिकांशतः कष्टकारी ही होता है। द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीय च शनैश्चरः सार्दानि सप्तवर्षाणि तदा दुखैर्युतो भवेत। यदि आपकी जन्म राशि से चतुर्थ और अष्टम स्थान पर शनि हो तो इसको ढैया कहते हैं। यह 2.5 वर्ष की होती है। यह भी जातक के लिए कष्टकारक होती है। शनि को दुख देने के लिए दंडाधिराज की पदवी दी गई है। उन्हें दंडनायक भी कहते हैं। यदि मारक ग्रहों की बात किया जाए, प्रबल मारक का रोल प्ले करते हैं। जब वह हमारे जीवन में 7.5 साती अथवा ढैया के रूप में आते हैं तो वह हमारे भीतर के तमाम अवगुणों को जला देते हैं और हमें विवश कर देते हैं, यह समझने के लिए कि वास्तव में हमारी कोई सत्ता नहीं है, कोई औकात नहीं है। जिस तरह से टेस्टर से बिजली के करंट की धारा को टेस्ट किया जाता है कि तार में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक इसी सिद्धांत से वह संपूर्ण संबंधों को हम अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों तथा क्षमताओं की जांच कर लेते हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति का निर्माण उस 7.5 साती काल में होता है कि हम बेचैन हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराशा परेशानियाँ तमाम उलझनों से घिर जाते हैं, धीरज आता है, बाधाओं से जूझते रहते हैं, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। विपरीत परिस्थितियों में हमारे ज्ञान, बुद्धि, विवेक शक्ति, धैर्य, साहस, संतोष और आशाओं के नए मानदंड विकसित होते हैं। बीमारियां, चिंता, घाटा, नुकसान, अपयश, बदनामी, हर तरफ से विपरीत परिस्थितियों का सृजन अधिकांश लोगों के जीवन में देखा। लेकिन दर्शकों, आपको हताश, निराश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समय आपकी पात्रता का परीक्षण काल चल रहा है। आपके भीतर के जितने भी दुर्गुण हैं वह सब जलकर भस्म हो जाएंगे और आप 100% शुद्ध सोना बन जाएंगे। जब शनि समय की कसौटी पर सारी मिलावटों को कसेंगे तो आप पूर्णतः निखर करके, बदल करके बाहर आते हैं। शनि की 7.5 साती और ढैया आने से पूर्व यदि आपने शनि के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया तो भरोसा रखें कि यह 7.5 साती आपका संपूर्ण भाग्योदय करा कर ही मानेगी। जिस तरह की जिन बातों को शनि पसंद करते हैं उन सभी की लिस्ट बना करके शनि की 7.5 साती आने से पूर्व ही सभी तैयारियां पूरी करके रखें। शनि की ढैया आने से पूर्व ही सारी तैयारियां करके कंप्लीट रखें, जिससे कि वह आकर देखे कि आपने कितना शानदार अंदाज में उनका वेलकम किया है। आपको शनि के साथ एकाकार होना चाहिए। एकात्मता का भाव भरने के कारण आपको लाभ मिलेगा। आपके सामने मैं एक केस स्टडी लेके आया हूँ। मान लीजिए कि आपके घर तिलक चढ़ाने के लिए कुछ नए रिश्तेदार आते हैं और आप उनके आने के बाद सारा बंदोबस्त करते हैं। खाने के लिए तमाम सामान बाजार से खरीदवाने के लिए बच्चों को भेजते हैं पैसा देकर। उनके स्वागत सत्कार में कुछ कमियां निश्चित रूप से रह जाती हैं। जबकि दूसरे के स्टडी की बात करते हैं, उसमें भी तिलक चढ़ाने के लिए कुछ लोग आपके घर के दरवाजे पर आए हैं, लेकिन आपने उनके स्वागत के लिए सारी वस्तुओं का, सारी सामग्रियों का व्यवस्था उनकी आवाभगत करने के लिए पूर्व से ही करके रखा हुआ है। तो आप संग निर्णय ले लीजिए, कहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा होगा और कहाँ पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से शनि को आप अपने सत्कर्मों से विवश कर सकते हैं। चाहते हुए भी शनि आपका कोई भी अनहित चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह कर्म के अधिष्ठाता हैं, कर्म के दास होते हैं। आपने अपने कर्मों की शक्ति के द्वारा शनि के क्रोध और घृणा को, दंड देने की इच्छा को आप स्वयं परिवर्तित करके उनका अपने निमित्त कृपा, आशीर्वाद, प्रेम और पुरस्कार की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ख्याति, यश, उपलब्धि, सम्मान, इन सब का मार्ग आपने प्रशस्त कर लिया है।
अब शनि की साढ़े साती में हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। महादेव शिव को आप अपना पिता अथवा कोई भी संबंधी, मित्र, भाई या किसी भी अन्य रूप में अपना साथी मान लीजिए। महादेव को अपना साथी बना लीजिए। हृदय में भावना लाइए कि यह जो संपूर्ण ग्रहों का प्रभाव है वह मेरे लिए हितकारी हो, कल्याणकारी सिद्ध हो, क्योंकि संपूर्ण उसी परम सत्ता की ही रचना है। यही पॉजिटिव चिंतन, यही विचार आपके मन के भीतर चलना चाहिए। विचारों की शक्ति अपार है, विचार एक ऊर्जा है। आपने अपने इन ऊर्जा के स्वरूप को अपने लिए हितकारी बना लिया है। मन के भीतर नकारात्मक विचारों का या व्यर्थ के संकल्पों का चिंतन नहीं आने पाए, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं, इन ग्रहों के चार से चिंतित ना हो। मन के भीतर प्रसन्नता तथा खुशी की भावनाएं प्रस्फुटित होती रहें। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान शिव को आप अपना साथी मानते हुए, अपना रक्षक मानते हुए, भाई या गुरु मानते हुए उनकी शरणागति को ग्रहण करिए, उनकी संगति स्वीकार करिए। नित्य केवल उन्हीं को भजें, स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें, ध्यान करते रहें और उनके स्वरूप का रसपान करते रहें। मान सम्मान, अपमान, शोहरत आदि के विचारों का परित्याग कर दीजिए। भाव यह है कि जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और आगे मेरे साथ जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। संतुष्टि का भाव हो, क्रोध का परित्याग कर दें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, उसका लिंक मैंने दे रखा है। ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवलोकन कर लीजिए, देख लीजिए, वहाँ पर आप क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। पूर्व जन्म के संचित कर्म संस्कार का फल है, भोग है, परिणाम है। पूर्व जन्म के हमारे जितने भी ज्ञात अज्ञात संचित संस्कार हैं, प्रारब्ध के कर्म हैं, उन सभी का भोग हमारे साथ जुड़ा है। हम अपने अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हैं। कर्म बंधन का प्रभाव छाया की तरह जीवन के चारों तरफ लगा रहता है। इसे ही कर्मों की गुह्य गति भी कहा जाता है। ये अनंत काल से संचित संस्कार हैं और यह शिव के मात स्मरण करने से ही कट जाएगा, मिट जाएगा। मेरा यह अनुभूत प्रयोग है। शिव को स्मरण करो और उनके स्मरण में अपने जीवन के कुछ काल को जोड़ते रहिए। परम सत्ता को प्रणाम कर, स्मरण कर सभी कार्यों को संपन्न करें। हो सके, संभव हो तो बिना किसी कामना के भूखे आत्माओं को भोजन कराइए। आप एक निमित्त बन जाओ, एक टूल्स बन जाओ, साधन बन जाओ उसका, जो प्रकृति है, जो सर्वशक्तिमान है, और आप उसको अपने ऊपर छोड़ दीजिए कि आपसे वह क्या कार्य कराना चाहती है। अपना मन बचपन बना लीजिए। मन के संकल्पों को ऊंचा रखें, कट वचन का परित्याग करें। किसी को बिगाड़ने अथवा बर्बाद करने जैसी वचनों का, संकल्पों का परित्याग कर दें। किसी को अपमानित करने और नीचा दिखाने का ख्याल भी त्याग दें। अशुभ विचार निगेटिव ऊर्जा है और इस नकारात्मक संकल्प को आप एक छोटी सी चिंगारी समझ सकते हैं जो कि आपके मन को जलाने को तैयार रहती है। अतः अशुभ विचारों और भावों का परित्याग कर दें, उनसे दूर रहें। मैं आपको प्रातःकालीन पढ़ने के लिए एक मंत्र दे रहा हूँ। इसका पाठ करने से शनि की समस्त व्याधि नष्ट हो जाती है। ध्वाजिनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया अजा महिष मातंगी शनिर्भार्या प्रकीर्तिताः एतासाम शनिर्भार्याणाम प्रातरुत्थाय यः पठेत शनैश्चरकृता पीड़ा विनश्यति न संशयः। शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया
जिन राशियों पर चलती है उस राशि के जातकों के लिए यह जो समय है वह कष्टकारी रहता है। इस अवधि में आप शनि के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम 108 बार मंत्र का जप करना है। इस मंत्र को कैसे जप करना है इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।